नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और खबर 9 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। घरेलू निवेशकों को साधने की तैयारी में है योगी सरकार। आपको बताएं कि 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में रोड शो होगा। मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देंगे सीएम योगी। 5 जनवरी को यूपी के लिए आमंत्रण देंगे सीएम योगी। बड़े कारोबारियों के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ मुलाकात होगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में यूपी का इन्वेस्टर्स रोड शो होगा। कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद में भी इन्वेस्टर्स रोड शो होगा। घरेलू दौरों के लिए गठित हुई है नई टीम, जिसमें 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 23 जनवरी को होगा आखिरी रोड शो। तो 5 जनवरी को यूपी के लिए आमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़े कारोबारियों के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में जो है रोड शो किया जाएगा। घरेलू निवेशकों को साधने की तैयारी में है योगी सरकार और इसी के तहत यह रोड शो किया जाएगा, जिसमें तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 5 से 23 जनवरी तक रोड शो होगा। 7 अलग अलग शहरों में यह रोड शो किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देंगे। 5 जनवरी को यूपी के लिए आमंत्रण देंगे सीएम योगी। बड़े कारोबारियों के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, बिरला के साथ मुलाकात होगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में यूपी का इन्वेस्टर रोड शो होगा। बढ़ते आगे, प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भीषण कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।